एक सेकंड, ये जो तोता आप लोग कर रहे हैं तो इसका श्रेय तो आपको ही लेना पड़ेगा ना जयवीर जी। तोता तो खेला था कांग्रेस, ये सेहरा तो आपको अपने सिर ही बांधना होगा ना सर, क्योंकि आप ही की सरकार थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी ना सीबीआई पर। जयवीर शेरगिल अभी गजनी बन जाएंगे, इनको याद नहीं रहेगा कि तोता खेला करते थे राहुल गांधी और सर्वोच्च न्यायालय कैसे फटकार लगाता था। कानून मंत्री आपके रिजाइन करके गए थे, अब ये बोल रहे तो मैं बोल लू, बोलिए अंजना जी। ट्वीट है मेरा मोदी जी का हाथ में 4 फरवरी 2013 और 17 अप्रैल 2014 के कांग्रेस पार्टी एफिडेविट को देकर सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और मोदी जी ने तो न्यायालय ही अपने घर पे खोल लिया। अगर कांग्रेस का मंत्री एफिडेविट देखने के जुर्म में इस्तीफा दे सकता है तो प्रधानमंत्री ने तो कानून की धजियां उड़ा दी। कैसे ये बताएंगे, इसको पीछे छोड़ दिया, आप बताइए ना, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी बीजेपी की सरकार के लिए की है? मैं जांच करूंगा। अश्विनी कुमार कानून मंत्री रिजाइन करते हैं, जयवीर भूलिए मत, और सबसे बड़ी बात अंजना जी बचाएंगे, प्रधानमंत्री अफसरान को बदलेंगे, प्रधानमंत्री ने किस हक से सीबीआई की जांच में दखल अंदाजी दी? मुझे कानून का वो पन्ना देखना है आपके शो पे। दिक्कत ये है, प्रधानमंत्री परिवार का रोल है, अपने आप को कानून के कर रही है, बचाने तो ये के लिए तो चाहते हैं कि सीबीआई कमजोर हो जाए, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाए कि जब इनको जेल जाना पड़े तो ये कहे कि देखिए सीबीआई ऐसी एजेंसी है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सर आज जो सीबीआई की हालत है उसके लिए नेहरू जी और राहुल गांधी की तो नहीं, आज जो हालत है उसमें बहुत सुधार आया है। एक सेकंड जयवीर जी प्लीज सर, नहीं अभी आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये सूट करता है तो नेहरू जी और राहुल गांधी को तो नहीं जिम्मेदार ठहराने लगा सीबीआई में? कांग्रेस की जिम्मेदारी अनप्रेसिडेंटेड परेशानी में है इस वक्त सीबीआई, प्रीमियर जांच एजेंसी अनप्रेसिडेंटेड है ये भी कि डायरेक्टर कंप्लेन करता है स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ और स्पेशल डायरेक्टर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ। क्या सरकार आंखें मूंद ले? क्या कांग्रेस की सरकार जी प्लीज सर, मुझे नवीन पासन जी के पास भी जाना है। प्रशांत भूषण जी एक सवाल है, छुट्टी पर भेज रहे हैं हम, पद से हालांकि हटा दिया गया है, छुट्टी पर भेज रहे, जांच कैसे होगी? डायरेक्टर है, एक स्पेशल डायरेक्टर है, अगर इन पर आरोप है तो एक खुद की जांच खुद तो नहीं करा सकते, इसलिए पद से हटाइए, सरकार की दलील है, क्या गलत है इसमें? छुट्टी पर नहीं भेज सकते ऐसे तो, मतलब किसी को भी छुट्टी पर आप भेज, मतलब फिर तो डायरेक्टर का 2 साल का फिक्स टेन्योर होने का कोई मतलब ही नहीं है, सरकार से इंसुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सरकार कभी भी किसी के खिलाफ आरोप लगवा के और उसको छुट्टी पर भेज सकती है। अरे भाई, हाई पावर्ड कमेटी के सामने ले जाते हैं ना, जिसमें कि प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस थे, उनके पास ठीक है। आपका ये कहना है, एक सेकंड, आपका ये कहना है कि कमिटी के पास जाते हैं, इस पर जल्दी से गौरव एक रिएक्शन आपका, जिसके बाद मैं अगला सवाल लेकर आ रही हूं। देखिए, ये वही प्रशांत भूषण हैं जो अनर्गल बयान मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन थे उनके खिलाफ लगाते हैं और कहते हैं वो एक दिन कार्य ना करें क्योंकि ये अच्छा नहीं है न्यायपालिका के लिए। मैं जस्टिस दीपक मिश्रा की बात कर रहा हूं। आज गंभीर आरोप लगे सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ और स्पेशल डायरेक्टर के, तो ये कहते हैं कि नहीं, स्पेशल कमिटी में जाना चाहिए जिससे कि प्रोलोंग हो, उनका 3 महीने का कार्यकाल बचा था, अगर वो प्रेशर में आते कोई गलत कार्य होता तो ये लोग कहते हस्तक्षेप नहीं किया। कांग्रेस अभी 2 दिन पहले कह रही थी ये तो क्लियरली आरोप लगा रहे हैं सर, देखिए क्लियरली क्यों नहीं किया। प्रशांत भूषण जी, आपका क्लियर आरोप यही है कि अस्थाना के मामले में सरकार जांच नहीं चाहती है, उनको बचाना चाहती थी और आलोक वर्मा को विक्टिमाइज करना चाह रहे और आलोक वर्मा के खिलाफ इन्होंने ही पिटीशन डाली थी। बिल्कुल सोच सकते थे क्या मतलब है, मतलब उसमें होनी थी, इतना सीरियस केस हम लोगों ने कंप्लेंट दी है सीबीआई को जिसमें इंक्वायरी होनी थी, या प्रोफाइल के मामले में बोल रहे पुलिस, जो सरकार के चंगुल में आदमी हो वही उस इंक्वायरी को नकार सकता है और सरकार नहीं चाहती कि इस पर इंक्वायरी हो जाए। राफेल के मामले पर, मतलब राफेल का एंगल देखिए, न सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी ने, पर ये भी कह रहे हैं कि राफेल के मामले पर जांच की बात हो रही है। एक सवाल और जल्दी से ले लेते हो, क्या सीबीआई गलत इस्तेमाल कर रही है सीबीआई का, सरकार, ये आप कह रहे हैं सीधे राफेल की वजह से? सीबीआई को तो सरकार एक अपने इंस्ट्रूमेंट की तरह, सिर्फ तोते की तरह ही नहीं बल्कि एक ब्लड हाउंड की तरह, कि ऑपोजिशन लीडर्स को अपने कब्जे में लाना है,
तो सीबीआई को उनके खिलाफ छोड़ दो, उसकी तरह से इस्तेमाल करना चाहती है और इसलिए बहुत सारे गुजरात कैडर के ऑफिसर्स को वहाँ पर लाया गया है सीबीआई में, और जो सरकार के साथ बहुत क्लोज थे उन लोगों को लाया गया है। इवन ये नागेश्वर राव जिनको सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, इनका भी यही पता लग रहा है कि भाई ये सरकार के लोगों से बहुत क्लोज थे, वेंकैया नायडू से बहुत क्लोज थे वगैरह वगैरह। मतलब आप बीजेपी हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं सीबीआई हेडक्वार्टर को, आरोप यही है भाई जो जेवी जी जेवी जी की सोच होगी वो वैसे ही वाक्य बोलेगा। कांग्रेस और प्रशांत भूषण जी की सोच शायद ऐसे ही है कि सीबीआई को कभी तोता बना लो कभी हाउंड बना लो, अभी कह रहे थे शायद ये हाउंड तब बना था अंजना जी जब मुलायम सिंह यादव और मायावती से समर्थन कांग्रेस को चाहिए था उनके खिलाफ केस कर दिए थे। लेकिन रफेल पे मैं एक बात कहता हूं, आज याचिका लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी कि हम पे उंगली भी उठे, बल्कि वो मामला लंबित है इसलिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी सारे साक्ष्य लेके सारा एविडेंस लेके खुद एक पीआईएल क्यों नहीं फाइल कर देते अगर हिम्मत है तो, हम चुनौती देते हैं अगर एक भी आपको लगता है गड़बड़ है आप खुद पीआईएल फाइल करेंगे, हिम्मत दूंगी जयवीर जी से। लेकिन उससे पहले क्या लगता है आपको आलोक वर्मा से क्यों डरी सरकार प्रशांत भूषण जी, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं राफेल का के कॉन्टेक्स्ट में कि राफेल पर जांच का डर है सरकार को। नहीं, ये कोई थोड़ी कह रहा है कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो शायद इस पर इन्वेस्टिगेशन करवा देते राफेल के ऊपर, और यही सरकार आपको ये सूचना किसने दी है, चाहती है कि आपको ये सूचना किसने दी है, कांग्रेस ये बात कह रही है आप भी कह रहे हैं, मतलब सीबीआई के अंदर आप घुसे हुए हैं और आपको पता चल जाता है कि सीबीआई डायरेक्टर क्या करने जा रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तक ऑर्डर नहीं हुई। जो सीबीआई आलोक वर्मा को अचानक आप लोग ग्लोरीफाई कर रहे, वही सवाल जो मैं पहले भी कह रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुल के इसका विरोध किया था और कई लोग ऐसे थे जो आलोक वर्मा जब सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए थे उसके उनके खिलाफ थे, आज आप लोग उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्योंकि आपको अस्थाना को और उनके साथ मोदी जी को नीचे पुल डाउन करना है। ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है, देखिए आलोक वर्मा की रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है पुलिस सर्कल्स में, मैंने जहाँ तक इसके इनके बारे में जो सुना है। आज प्रकाश सिंह जी भी यही बात कह रहे थे मुझसे कि भाई इनकी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी थी और जो जिनको बनाया गया है उनकी रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरी बात, आप ये सर्टिफिकेट बांटने का काम क्यों करते हैं, आप हैं कौन, आप बताते हैं कि मुख्य न्यायाधीश ईमानदार है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ईमानदार है कि नहीं है ये आप तय करते हैं। अब आप यहाँ टीवी चैनल पे आते हैं और बताते हैं कि एक्स ऑफिसर अच्छा है और वाई नहीं। मैं ये कहता हूँ कानून कहेगा कि कानून की जो प्रक्रिया है उसके तहत तय हो जाए कि सीबीआई डायरेक्टर दोषी है या स्पेशल डायरेक्टर दोषी है, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले। और यही सरकार को डर था कि कहीं राफेल का सरकार ये डरने वाली नहीं है, सरकार को कोई डर नहीं है, सरकार तो बल्कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए सीबीआई आज निष्पक्ष हो गई है, आलोक वर्मा ने अपनी याचिका में लगभग लिख दिया है, वो कह रहे हैं कि जांच कुछ शीर्ष नेताओं की तरफ जा रही थी इसलिए ये मुझे एक बार शीर्ष नेता कांग्रेस के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, अगर इंफॉर्मेशन है तो बता ही दीजिए। सर आपको बता दें मामला लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, मैं सर्वोच्च न्यायालय का सिपाही हूं, मैं लंबित मामले में ये सब टिप्पणियां करूंगा।